तो आज की जो क्लास है उसमें हम विजुअल बेसिक में कंट्रोल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा समझेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का एक यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दिख रहा है, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है वो दो टाइप के हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स। हाँ, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट फिर दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंदर अब दो स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और केस सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। ये दोनों ही स्टेटमेंट को हम कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा कहते हैं और ये कंट्रोल स्टेटमेंट भी है। अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में एग्जिट और गो टू होता है। उसी प्रकार से लूपिंग स्टेटमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि लूप की बॉडी में एंटर करने से पहले ही उसमें कंट्रोलिंग होगी या फिर उसमें कंडीशन चेक होगी, तो उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, फॉर नेक्स्ट और दूसरा है व्हाइल वेंट। फॉर को नेक्स्ट से बंद किया जाता है, व्हाइल को वेंट से बंद किया जाता है। विजुअल बेसिक केस सेंसिटिव नहीं है तो कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखने पर चल जाता है ये। अगला जो है एग्जिट कंट्रोल लूप, वो उसके अंदर आते हैं डू लूप व्हाइल और डू लूप अंटिल। तो इस प्रकार से कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ये ब्रांचिंग या सॉरी ट्री फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स इस प्रकार के होते हैं। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट का काम होता है कि वो प्रोग्राम के फ्लो कंट्रोल को चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रोग्राम का जो फ्लो कंट्रोल होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री, लाइन नंबर फोर। अगर लाइन नंबर फोर एग्जीक्यूट होने के बाद बाय डिफॉल्ट फाइव एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन फोर के बाद सीधा वो लाइन नंबर नाइन पर आ जाता है, किसी प्रकार से जंप कर देता है, या लूप में नीचे के बाद फिर अगले में जाना चाहिए वो ऊपर चला जाता है इधर, फिर एग्जीक्यूट करता है यहाँ 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 फिर यहाँ करता है, उसके बाद ये करना चाहिए तो फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा लूप चलते रहता है। ये सारे स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम कंट्रोल का जो फ्लो है उसको चेंज कर देते हैं। उसको चेंज करने वाले सारे स्टेटमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है दो प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग और अनकंडीशनल। इसके अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। वैसे लूप भी दो टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए एग्जिट कंट्रोल लूप को समझाइए तो आपको ये बताना होगा, एंट्री कंट्रोल लूप को समझाइए तो आपको ये बताना होगा, अनकंडीशनल ब्रांचिंग बताइए तो ये बताना होगा, कंडीशनल ब्रांचिंग बताइए तो ये बताना होगा, ब्रांचिंग बताइए तो दोनों बताना होगा। यहाँ पर हमने ये वाला जो हिस्सा है लूपिंग वाला ये कवर कर लिया है, अब हम ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को देखेंगे। आज हम इफ एल्स को समझते हैं। इफ एल्स जो है वो टू वे ब्रांचिंग कहलाता है। इसको हम कोड करके देख लेते हैं। टू वे ब्रांचिंग का मतलब होता है कि जहां भी दो में से एक सेलेक्ट करना हो आपको वहां पर आप टू वे ब्रांचिंग का यूज करेंगे। ये मैंने फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर दो में से एक आंसर आना है, जैसे पास फेल सेलेक्टेड रिजेक्टेड एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड इवन ऑड प्राइम नॉट प्राइम आर्मस्ट्रॉन्ग नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इस प्रकार से दो में से एक डिसीजन लेना है आपको। तो यहाँ पर हम दो में से एक डिसीजन लेने के लिए इफ स्टेटमेंट या उसको हम कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का सहारा लेकर के कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना परसेंट इंटर करूँ और परसेंट अगर 33 से ज्यादा है तो पास दिखाए नहीं तो फेल दिखाए। तो आपको यहाँ पर दो दो में से एक आंसर मिलेगा, या तो हमेशा पास मिलेगा या तो फेल मिलेगा, पास या फेल, पास या फेल। अब पास होगा कि फेल होगा सिर्फ उसको डिसाइड करना है। तो इस प्रकार से हम इसमें स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर परसेंट, और यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जब मैं एक बटन पे क्लिक करता हूं, बटन पे मैंने क्लिक किया और यहां पर शो लिख दिया। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पर 55 दूंगा और शो पे क्लिक करूंगा तो यहां पर पास आना चाहिए, या फिर 22 दूंगा तो फेल आना चाहिए। तो यहां पर दो ही आउटपुट आएंगे, या तो पास या तो फेल। तो दो में से कोई एक लाना है तो हम कंडीशनल ब्रांचिंग या इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ऐसी हर कंडीशन पे हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, शो में डबल क्लिक किए, अब यहाँ पर कोड कर देते हैं। मैं लिखा डिम एन एज इंटीजर, और एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट वन से, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि इफ, पहले मैं स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। इफ एन, कंडीशन लिखेंगे इफ में हम, यहाँ पर एक कंडीशन पर एक हम कंडीशन लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ एन ग्रेटर देन 33, इफ एन जो है वो 33 से बड़ा है तो टेक्स्ट टू में क्या चला जाएगा, टेक्स्ट टू में क्या जाएगा, फेल। आपको यहां पर दिखेगा कि इफ स्टेटमेंट के बाद एक कंडीशन दी जाती है, फिर देन लगाया जाता है और कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। यहां पर एक ही स्टेटमेंट लिखा है, फिर एल्स लगाया जाता है, फिर स्टेटमेंट लिखा जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली एन ग्रेटर देन 33, ये ट्रू हो जाएगी तो ये रन होगा, ये रन नहीं होगा। यानी हमने कंप्यूटर को दोनों चीज बता दी है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी। क्लियर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ही रन होगी। तो ये कौन सी कंडीशन रन होगी ये डिसाइड कौन करेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिसाइड करेगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और रन करने के बाद हमको यहाँ पर अगर मैं अपना परसेंट दिया मान लीजिए 60, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पास। ये कैसे आया इसको आप वर्किंग हम समझ लेते हैं, कैसे आ रहा है ये, इसको जब मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 60 वाली वैल्यू है ये गई है ये टेक्स्ट वन के थ्रू एन में। तो एन में जो ये वैल्यू आई है, इस एन में क्या वैल्यू आ गई होगी, 60। एन में क्या वैल्यू आई होगी, 60। अब इस एन के जगह पे 60 है तो क्या 60 33 से बड़ा है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। 60 जो है वो 33 से बड़ा है तो केवल ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो यहाँ पर पास जो है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, टेक्स्ट टू में, तो ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट टू में भेजी गई। अगर मैं यहाँ पर 20 देता तो 20 वाली वैल्यू कहाँ जाती, इसमें जाती एन में, और 20 बड़ा है 33 से, फॉल्स, तो ये वाला रन होता और फेल यहाँ पर स्टोर होता। फिर इसको हम करके देख भी सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 20 दूंगा तो ये फेल आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इफ एल्स को समझा, ये टू वे ब्रांचिंग में कहलाता है। कहीं पर भी हमने कंप्यूटर को दोनों चीजें बता दी हैं, ये होगा तो ये और नहीं तो ये होगा तो ये और नहीं होता है तो दूसरी कंडीशन। क्लियर है। तो ये था आपका टू वे ब्रांचिंग। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग, मल्टी वे ब्रांचिंग भी हम साथ में देख लेते हैं। यहाँ पर दो में से एक सेलेक्ट करना है, मान लीजिए हमें 10 में से एक सेलेक्ट करना है, अगर ये होता है तो ये होता है तो ये होता है तो ये, तो मल्टी वे ब्रांचिंग हमको कहलाएगी। तो मल्टी वे ब्रांचिंग करने के लिए हमको यहाँ पर सेलेक्ट
और सेलेक्ट केस को बंद करते हैं एंड सेलेक्ट से, ध्यान देना है जो सी में स्विच स्विच केस होता था इस उसी को यहां पर सेलेक्ट केस कहा जाता है, क्लियर है। तो सेलेक्ट केस करने के बाद यहां पर आपको एक वैल्यू देनी होती है और इसके अंदर आप कितना भी केस बना सकते हैं, जैसे मैं केस वन बनाया, केस टू बनाइए, केस थ्री बनाइए, केस फोर बनाइए, केस फाइव, केस सिक्स, मैं जानबूझ के सात केस बना रहा हूं ताकि हमें संडे मंडे ट्यूसडे 7 दिन होते हैं इसलिए मैंने 7 केस बनाया है। और एक बनाऊंगा मैं लास्ट में केस एल्स, सेम डिफॉल्ट केस के जैसा होता है। अब मल्टीवे ब्रांचिंग की जो वर्किंग है वो आप समझिए कुछ इस तरीके से होती है, ये पूरा जो ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक ये मल्टीवे ब्रांचिंग है, इसके लिए सेलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज किया गया है और सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ पर देखा कि एक इंडेक्स वैल्यू हमने पास की है और वो केस बनाए हैं। आप इसमें कितने भी केसेस बना सकते हैं, केवल ध्यान ये रखना है कि दो केस का जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो केस वन में आपको देना होगा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू संडे, मैं इस तरीके से सबको अलग अलग कर देता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे के बाद आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से मैं सातों दिनों का जो नाम है वो लिख देता हूं यहां पर, वेडनेसडे के बाद है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और केस एल्स मैंने बनाया है, केस एल्स का मतलब होगा टेक्स्ट टू में आएगा इनवैलिड, क्लियर है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर एन की वैल्यू वन होती है तो केवल ये रन होगा, ये बाकी चीज रन नहीं होगा और संडे आएगा। अगर एन की वैल्यू टू होती है तो केवल केस टू रन होगा, अगर एन की वैल्यू थ्री होगी तो ये रन होगा, सेवन होगी तो ये होगा, और वन से सेवन इसमें से कोई मैच नहीं होगी तो केस एल्स रन होगा। रन करके देखते हैं, मैं अगर यहां पर वन देता हूं तो ये वन कहां चला जाएगा, एन में, और एन की वैल्यू अगर वन होगी तो क्या आएगा, संडे, संडे आया, दो देने पर मंडे, तीन देने पर ट्यूसडे, छह, सात देने पर सैटरडे। अब इसके अलावा कुछ और वैल्यू दे देता हूं तो इनवैलिड, आठ देने पर इनवैलिड, जीरो देने पर इनवैलिड। तो ये था मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। आज हमने दो स्टेटमेंट का एग्जांपल देखा, इफ एल्स और सेलेक्ट केस, जो कि कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहलाते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।